दबंगों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। गांव के दबंगों के द्वारा सुनियोजित ढंग से पत्रकार के ऊपर किया गया जानलेवा हमला। हमलावरों के द्वारा पीड़ित पत्रकार के घर में घुसकर की गई मारपीट। घटना कौंधियारा थाना क्षेत्र के गढ़वा कला गांव की है, जहां पर एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार लालता प्रसाद मिश्र पर गांव के ही यादव बिरादरी के लोग दर्जनों की संख्या में बिजली के खंभे को लेकर विवाद कर बैठे और देखते ही देखते पहले से योजना बनाकर यादव पक्ष के लोगों ने स्थानीय पत्रकार के घर पर धावा बोल दिया। वहीं बिजली के पोल को लेकर के पहले भी यादव पक्ष से गांव के अन्य लोगों से विवाद हो चुका था, जिसके कारण विवाद को टालने के लिए मौके पर पहले से ही पुलिस मौजूद रही। लेकिन यादव बिरादरी के लोग पुलिस की मौजूदगी को भी दरकिनार करते हुए मौके पर मौजूद पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करते हुए हमलावर होकर के मारपीट करने लगे। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं राजेश सोनकर की इस खास रिपोर्ट में। उसका लड़का यादव का आया और गाजी उठता पानी से देने लगा, हमसे नहीं ना हमारे, हमने रोका भी था ना हमारा उसमें खेत ही है। हम किस्त जमा करने के लिए KCC जा रहे थे, 40,000 लिए कौवा बैंक, तो उसको भी साहब पहुँच गया। कहा मिश्रा जी कहा बस हम जाने वाले, कहा यार हम तुम्हारी बाग में बैठे हैं। तो हम उनके पास चले गए, चूँकि हमारे घर से ज़्यादा 50 मीटर पर थे पूरी पुलिस बटालियन। जब हम पहुँच गए तो शासन प्रशासन को हमने पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था करवाने लगे, कुर्सी उर्सी भिजवाई, मतलब जैसे हमारा एक रिश्ता है। तो हमका सर वहाँ जाना था, कहा रुक जाइए देखिए मामला क्या हो रहा है, थोड़ा शांति हो जाए। शांति से ही पोल सब बढ़ गए किसी तरीके से। अब इन लोगों का क्या मसवीरा था, जब हम पुलिस के साथ में रोड पर चढ़े ताबड़तोड़ इन लोगों एकाएक आकर घेर लिए, लगे मारने। दीपू पांडे हैं जिसके पिता से विवाद था, वो भी घायल है आया है। तो हमारे बच्चे गए थे धान लगाने के लिए, वहाँ से लौट रहे थे, हम अपना उड़ना पहन करके थे, तो मोबाइल जब गिर गए तो मोबाइल छोड़।